जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। जी फ्रेंड्स, ये आज एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। ये है ग्रीन आयल ट्यूब, ये है 560 नंबर। तो इसको हम थोड़ा सा डाल लेंगे एक प्लेट्स में, यहाँ डाल के इसको अब आयल में हम मिक्स करेंगे। मिट्टी का तेल इसमें डालेंगे। तो ये देखें, ये है मिट्टी का तेल, तकरीबन इतना आपने डाल लेना है। तो उसके बाद और दूसरा कलर है ये रेड का, इसका नंबर है 302 नंबर। तो इसको भी हमने ऐसे थोड़ा सा डाल लेना है और इसमें भी मिट्टी का तेल हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें मिट्टी का तेल आ गया। तो अब इसके बाद हमने ये जो इसको हल करना है, एक मलमल कपड़े के साथ ये ऐसे ले लेंगे, छोटा सा कपड़ा एक टुकड़ा। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन तैयार करने की कोशिश करेंगे। ये हल हो गया इसका और अब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ। ये तीन से चार जगहों पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब इसके बाद जो है ये ग्रीन, इसको हम हल करेंगे। ये भी यहाँ लगा देंगे। ये जितनी वाइट कलर की जगह है इसको सारे को हमने पूर कर लेना है। वीडियो मुकम्मल पूरी वाच कीजिएगा ताकि हर बात की, हर डिज़ाइन की, हर जगह की, जो हर स्टेप की आपको समझ आ सके। ये कम से कम हम दो से तीन मरतबा इसको अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। और इसके बाद रेड को फिर से आप एक बार फिर से टच लगाएंगे। और इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एक फुटबॉल। ये है फुटबॉल, एक बेबी बॉल की तरह होता है ये, बिल्कुल नॉर्मल सा। तो इसको हम यूज़ करेंगे। इसमें हम स्टेप बनाएंगे कम से कम तीन से चार स्टेप। इसको चलाने का तरीका भी आप देख, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। ये पहले भी मैंने एक इस टाइप की वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि ये समझ अच्छे तरीके से नहीं आई, तो इसलिए मैंने इसको पूरी डिटेल के साथ बनाया है। इसको आप वन कलर में भी कर सकते हैं और टू में भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो तब भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है।
वो आप कलर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लगा सकते हैं। जब ये एक स्टेप मुकम्मल हो जाएगा तो आगे भी देखिए कि कैसे ये अगला स्टेप क्या होगा, ये भी आप चेक कीजिएगा। ये सबसे पहला जो आपने लगाना है स्टेप, उस पर आपने फुल दबा के रखना है, और जैसे जैसे आप पीछे की तरफ आएंगे तो इसको थोड़ा सा लूज़ करते आना है। ये आप सीलिंग छत पे भी बना सकते हैं, दीवार पर भी बना सकते हैं, और किसी चीज़ पे बनाना चाहें वहाँ भी आप बना सकते हैं। इसकी बेस के लिए आपको वॉल पट्टी लगाना ज़रूरी है, और ऑयल पेंट की बेस जो है वो भी ज़रूरी है। वाइट कलर की लगा लेंगे, ऑयल पेंट तो सबसे बेस्ट है, या उसके अलावा आप ऑफ वाइट भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये अब इसके बाद जो हम इसका स्टेप अगला स्टेप शुरू करेंगे, ये देखें पहले हमने एक बार कंप्लीट कर लिया इसको, तो अब इसके बाद जो है उसके एक एक छोड़ के हमने इसको करना है। अब ये जो कलर पहले बह रहा था वो भी नहीं बहेगा, और ये तरतीब के साथ हम इसको करते जाएंगे, ये 3D इफेक्ट देगा। अब ये सारे के सारे को पूर्ण नहीं करना है, ऐसे कि पहले जो स्टेप है वो मुकम्मल के तौर पे कर लेना है, और दूसरा जो स्टेप तीसरा होगा उसको आप हम छोड़ते आएंगे और ये लास्ट तक ये बनाते आएंगे। ये एक सेंटर में एक लास्ट में हमने दे देना है इसका इफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिज़ाइन, ये देखिए कितना ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।